नमस्कार, स्वागत है आप सभी का GKVP चैनल पर। अभी मैं BCOM सेकेंड ईयर, जो कि फोर्थ सेमेस्टर है, उनका एक सब्जेक्ट है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स पार्ट 2, वो प्रोबेबिलिटी के थोड़े प्रॉब्लम मैं आपको बतलाने वाला हूँ। ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉब्लम अवेलेबल हैं, लेकिन गिने चुने और थोड़े प्रॉब्लम हैं जो स्टूडेंट की तरफ से डिमांड रखी गई है, तो मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। ज़रा ध्यान से देखिए। प्रॉब्लम नंबर 8, सबसे पहले बहुत ही मामूली प्रॉब्लम है ये। व्हाट इज द चांस ऑफ पिकिंग ए स्पेड और एन एस नॉट ऑफ स्पेड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ये प्रॉब्लम है। अब इसे सॉल्व कैसा करना है मैं दिखाता हूँ। तो पूरा प्रॉब्लम, असल में मीनिंग क्या है प्रॉब्लम का, पहले ये देखिए कि क्या चांस है कि एक कार्ड निकाला गया पिकिंग ए स्पेड, वो कार्ड है सो स्पेड का होना। अगर ना हो ऐसा तो एन एस नॉट ऑफ स्पेड, यानी कि वो इक्का होना लेकिन स्पेड वाला नहीं होना, फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। पत्तों की गड्डी तो 52 की रहती है, 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला गया, क्या चांस है कि वो स्पेड वाला है, या फिर क्या चांस है कि वो इक्का है लेकिन स्पेड वाला नहीं है। तो ये प्रॉब्लम दरअसल ऐसा है, देखिए इसको शुरुआत ऐसा करना। लेट ई बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग ए कार्ड ऑफ स्पेड, और एन एस नॉट ऑफ स्पेड। तो ये दरअसल दो प्रॉब्लम है इसके अंदर। एक है एनी इवेंट ऑफ गेटिंग ए कार्ड ऑफ स्पेड, दूसरा है एन एस बट नॉट ऑफ स्पेड। तो दो इवेंट है इसके अंदर। इस प्रकार प्रॉबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू हुआ प्रॉबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रॉबेबिलिटी ऑफ बी। ये करना है क्योंकि ये प्रॉबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी सिचुएशन है। ए यूनियन बी यानी कि ए या बी, या तो ए या तो बी। अभी मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा। सबसे पहले ए, लेट प्रॉबेबिलिटी ऑफ ए बी ए कार्ड ऑफ स्पेड। तो टोटल पत्तों की गड्डी में स्पेड यानी कि ये वाले पत्ते, ये 13 रहते, तो इसका आंसर होगा 13/52, यानी कि छोटा करने पर इसे आप 1/4 लिख सकते हैं। दूसरा, लेट प्रॉबेबिलिटी ऑफ बी बी ए कार्ड ऑफ एन एस नॉट ऑफ स्पेड। टोटल 1 है सो टोटल 1 4 रहते, एक ये वाला रहता, एक दिल वाला रहता, एक है सो डायमंड वाला रहता, और एक है सो ये फ्लावर वाला रहता। अब ये वाला नहीं होना है, स्पेड वाला नहीं होना है, तो बचे कितने? 3। तो इस तरह प्रॉबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू हुआ 3/52। इसको और छोटा करने पर ये हो जाएगा, देखिए नहीं ठीक है, रहने दीजिए, ये पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो अभी हमें करना है प्रॉबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रॉबेबिलिटी ऑफ बी, दोनों प्लस कर देना है। उसका आंसर था 1/4। 1/4 लेने से 13/52 ही लेना बेहतर है, एलसीएम निकालने में आसानी हो जाएगी। प्लस
3 बाई 52। अब दोनों का सेम है तो 52 ऊपर 13 प्लस 3, अब नीचे सेम है बेस तो दोनों ऐड हो जाते, अब ये हो गया 16 बाई 52। अब इसको फर्दर डिवाइड करने पर 4 के टेबल में जाएगा, 4 फोर ज़ा 4 कितना होगा ये 52 ना बाई 13 टाइम हो रहा, यानी कि अल्टीमेटली आंसर हुआ 4 बाई 13, 4 के टेबल में जा रहा दोनों। इस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो कभी भी प्रॉबिबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मतलब प्रॉबिबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रॉबिबिलिटी ऑफ बी रहता, ये यूनियन का मतलब होता और, ए या बी यानी कि प्रॉबिबिलिटी ऑफ ए अलग से प्रॉबिबिलिटी ऑफ बी अलग से कैलकुलेट करना, फिर दोनों को जोड़ लेना, बस इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करना है। चलिए अब अगला प्रॉब्लम करेंगे, प्रॉब्लम नंबर 9। ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए स्टैंडर्ड पैक ऑफ कार्ड्स एंड देन अनदर कार्ड इज ड्रॉन विदाउट द फर्स्ट बीइंग रिप्लेस्ड, व्हाट इज द प्रॉबिबिलिटी ऑफ गेटिंग टू एसेस टू स्पेड्स। मतलब एक कार्ड निकाला गया, पहले तो कार्ड की गड्डी में से एक कार्ड निकाला गया, फिर उसको रखे बिना एक और एक कार्ड निकाल लिया गया। अब हमें पता लगाना है कि क्या वो दोनों एसेस है, मतलब दोनों इक्के है, या फिर दूसरा पॉइंट है दोनों के दोनों स्पेड्स है, मतलब ये वाले, तो ये हमें पता लगाना है। अब चलिए पहले ये करेंगे, फिर बाद में ये बिट भी सॉल्व करके दिखा दूंगा। तो पहला बिट टू एसेस, सबसे पहले तो आप ये जान लो कि ये जो विदाउट रिप्लेस वगैरह है ये सब आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया इस प्रॉब्लम में, क्योंकि एक पत्ता निकाला बिना रखे दूसरा पत्ता निकाला, इसका ये मतलब है कि दो पत्ते निकाला, मतलब कि दो पत्ते निकाला समझ के चलना। तो सबसे पहला बीट है ये वाला, इसके लिए हम लिखेंगे लेट ई बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग टू एसेस, तो अब ये हो जाएगा प्रॉबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू टोटल एक के पत्तों की गड्डी में चार रहते हैं, तो 4C2, चार में से दो निकाला मतलब, और गड्डी में कितने रहते हैं कुल पत्ते 52, तो 52C2। अब ये सॉल्व करने पर हो जाएगा 4, 2, 1, 3। ये फैक्टोरियल निकालने का तरीका है, ऊपर का नंबर नीचे का नंबर। अब नीचे वाले नंबर को सबसे पहले 1 तक छोटा करते हुए मल्टीप्लिकेशन में ओपन करना। अब ये जितना जितने नंबर ऑफ टाइम ओपन हुआ छोटा होते हुए उतने ही टाइम इसको भी करना। अब ये भी दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए 52 तो 52 इंटू 51 2 इंटू 1। अब देखिए आप ये और ये सेम है तो कट कर देना, अब बचा क्या 4 इंटू 3 52 इंटू 51। अब ये आगे सॉल्व होकर क्या होगा, ये तो देखिए इसे हम कट कर सकते, ये 1 टाइम चले गया और ये 17 टाइम चले गया, अब इसको भी हम कट कर सकते, ये 1 टाइम चले गया, ये 13 टाइम चले गया, तो बचा क्या ऊपर 1 1 इंटू 1 यानी कि 1 इंच, 13 इंटू 17, तो 13 इंटू 17 आपको होगा 221। बस इसका आंसर इतना ही है। अब दूसरा और एक एक करके देखेंगे, तो अब दूसरा बिट हमें यह क्या करना है, टू स्पेड्स, तो सेम वही आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा लेट ई बी एन इवेंट
ऑफ गेटिंग टू स्पेड्स, टोटल स्पेड्स 13 रहते हैं। अब वो 13 में से स्पेड बोल तो ये वाले पत्ते मालूम ना आपको, अब 13 रहते हैं, अब 13 में से दो निकालना है आपको, तो देयर फॉर प्रॉबिबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 13C2, 13 में से दो और कुल 52 में से दो। अब ये होगा क्या, 13 × 12, 2 × 1, और ये हो जाएगा नीचे 52 × 51। नीचे वाला नंबर सबसे पहले 1 तक ओपन करना। अब आपको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। मान लो कि 7/3 है, तो करना क्या, 3 × 2 × 1, पहले नीचे वाला नंबर 1 तक ओपन करना। अब ऊपर 7 है ना, तो 6, 5 ऐसा करना। ये 3 2 टाइम, ये 2, तो ये 35 इसका आंसर। इस तरीके से सॉल्व करते हैं, ये फैक्टोरियल निकालने का तरीका है। बहरहाल हम आगे बढ़ेंगे, अभी ये और ये सेम है तो कट हो गए। अब 13 और 12 बच गया ऊपर, 13 × 12, नीचे बच गया 52 × 51। अब 13 1 13 4 तो बचा क्या, 12। अच्छा, ये 12 4 से भी कट होता ना, तो 1 टाइम 3 टाइम, तो आंसर बचा क्या हमारा, 3/51। अब इसे भी कट कर सकते हैं हम, तो ये 1 टाइम हो गया और ये हो जाएगा आपका 17 टाइम, तो आंसर हुआ 1/17। इस तरीके से सॉल्व करना है। चलिए एक और प्रॉब्लम हम अब करने वाले हैं, प्रॉब्लम नंबर 10। ए बैग कंटेन्स 8 व्हाइट एंड 3 रेड बॉल्स, 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रॉबिबिलिटी दैट बोथ आर व्हाइट, बोथ आर रेड, 1 व्हाइट एंड 1 रेड। तो इस तरीके का प्रॉब्लम है, तो कैसा सॉल्व करना बहुत ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले है क्या, मैं वो लिख देता हूँ। सबसे पहले सिचुएशन, सॉल्यूशन में सबसे पहले सिचुएशन लिख देता हूँ मैं। देखिए कुल मिलाकर वाइट बॉल है 8 और रेड है 3, यानी कि कुल मिलाकर टोटल हुआ 11। अब हमें सबसे पहला बिट फाइंड आउट करना है, पहला बिट बोथ आर वाइट, तो लेट ई बी इन इवेंट ऑफ गेटिंग बोथ वाइट बॉल्स, तो प्रॉबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू हो जाएगा, व्हाइट बॉल कितने हैं, 8 है, तो 8C2/11C2 फैक्टोरियल 2, यानी कि ये हो जाएगा, देखिए 2 × 1, 8 × 7 ऊपर वाला, नीचे वाला देखिए 2 × 1, 11 × 10, ये कट ये कट, तो बचा क्या, 8 × 7 बचा और 11 × 10 बचा। अब इसे कट कर सकते क्या हम, तो 2 के टेबल में कर सकते, 2 4 2 5, तो ये हो जाएगा आपका 4 × 7 मतलब 28, और ये हो जाएगा 55। बस इसके आगे ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। अभी दूसरा बिट है, दूसरा बिट है हमारा बोथ आर रेड, बोथ आर रेड। अब वो पूरा नहीं लिखता हूं मैं, डायरेक्ट आपको सोल्यूशन दिखाता हूं। तो रेड कलर के 3 बाल है ना, तो इस हिसाब से ये होना चाहिए 3C2 फैक्टोरियल 2, 11C2, ये टोटल के लिए ये, तो 3 × 2, 2 × 1, 2 × 1, 11 × 10,
ये कट, 3 × 2 हुआ, हो गया आपका 6, और 11 × 10 हो गया 55। बस इसके आगे ये सॉल्व करना वेस्ट है। अब इसके बाद का जो बीट है वो कमाल का है, 1 white 1 red, इसे ध्यान से देखिए, 1 white एंड है बीच में 1 red। ये सिचुएशन आ जाए तो इसका मतलब ये है, प्रॉबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू प्रॉबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सिचुएशन है ये। इसे आपको प्रॉबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रॉबेबिलिटी ऑफ बी, यानी कि दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं बहुत ही शॉर्टकट में आपको दिखा दूंगा ये, आप बहुत ध्यान से देखिए। तो प्रॉबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू, दोनों को मल्टीप्लाई करना है याद रखिए। तो सबसे पहले एक है सो वाइट का होना है 8c1, और एक है सो रेड का होना है 3c1 बाई टोटल क्या है 11 factorial 2। एक बॉल वाइट में से यानी कि 8 में से एक निकलेगा, और एक रेड यानी कि 3 में से एक निकलेगा, लेकिन कुल मिलाकर तो टोटल जितने भी बॉल्स है उसमें से 2 balls निकल जाएंगे। तो ये हो गया आपका 8 × 3। अब 1 है तो सेम रहता नंबर, अब नीचे 11 2 × 1 × 10। अब क्या हुआ इसका सॉल्यूशन, ये 2 1 2 5, मतलब 8 × 3 24 होता, और 11 × 5 यानी कि 55 होता। बस ये इसका सॉल्यूशन है, इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करना है।